हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखिए, यहाँ पे हम रेडी शेडी हो गए हैं। ये है आज का मेरा लुक, और ये कुछ साड़ी है ब्लू कलर का और सिल्वर कलर का, नेट में है, मतलब दो कलर में मिक्स है, आप देख सकते हैं। वैसे तो आपको शॉर्ट वीडियो में अच्छे से देखने को मिल ही जाएगा। तो गाइस, और ये है मेरा चूड़ी। तो गाइस, आप लोगों को पता है ना कि यहाँ पे मेरा ज़्यादा सामान नहीं है, तो हम थोड़ा मतलब जितना है उतना ही मिक्स करके पहनते हैं, तो इसके लिए क्या ही कर। कैसा लग रहा है प्लीज़ आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी हम शॉर्ट वीडियो शूट कर रहे थे, मेरा शॉर्ट वीडियो शूट हो गया है और अभी आप लोगों से कुछ बात करनी है, तो चलिए। तो गाइस, हम आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करने मतलब करना सोच रहे हैं। तो हम आईफोन के बारे में कुछ आप लोगों से मतलब बताना चाहते हैं कि हम आईफोन क्यों लिए और किस वजह से लिए। और हम आईफोन लिए हैं तो बस कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा है, और कुछ लोगों को मतलब क्या ही बोल सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग गया है। और ये मेरी बेटी जो कि चॉकलेट दो एक दूसरा चॉकलेट है ये खा गई ऑलरेडी, तो बहुत परेशान कर रही है। तो आईफोन लेने का मेन कारण हम आप लोग आज बता रहे गाइस, मेन कारण ये है कि मेरे पास ऐसा नहीं मेरे पास फ़ोन नहीं था, नहीं मेरे पास फ़ोन था और फ़ोन बहुत अच्छा फ़ोन था। बहुत सर दुख रहे हैं, ऐसे बाल वाने हैं तो पहले इसको खोल देते हैं और उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। तो गाइस, मेरे पास ऑलरेडी बहुत अच्छा फ़ोन था, वो 27,000 का फ़ोन था। पिछले साल ही सितंबर में ही लिए थे। एक साल हो गया मेरे फोन, वो जो मेरे पास फ़ोन था ऑलरेडी उसका पूरा एक साल हो गया, और बहुत अच्छा फ़ोन था, उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा था। और आज से मतलब पहले जितना भी हम शॉर्ट वीडियो बनाए या लॉन्ग वीडियो, सब मेरा पुराना वही फ़ोन से था। वो किस कंपनी का था, IQ00 था, और मतलब आप लोग सर्च कीजिएगा, जाके देखिएगा, उसका क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त था। मतलब वो फ़ोन मतलब सोचिए तो बहुत अच्छा फ़ोन था मेरा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लेकिन हम फोन ले, और जो मेरे हस्बैंड के पास जो फ़ोन था ना, वो बहुत घटिया फ़ोन था यार। मतलब आज क्या ही बताएं, आजकल के डेट में ना वैसा फ़ोन कोई नहीं लेता है, कोई रखता ही नहीं है। उस फ़ोन का अभी मतलब मुझे नाम तो नहीं पता है, पर आप लोगों को दिखा देंगे। वो फ़ोन का अभी दाम 6,000 रुपया है, नहीं सॉरी 6,000 नहीं, हम उस दिन देखे थे 7,500 रुपया था उस फ़ोन का दाम। मतलब इतना घटिया फ़ोन था, इतना घटिया, वो भी बहुत पुराना हो गया था। तो गाइस, इसके वजह से मेन वजह तो ये था कि मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन नहीं था ऑलरेडी, उनका फ़ोन एकदम से ख़राब हो चुका था। मतलब किसी का कॉल आता था ना तो आवाज़ तक सुनाई नहीं देता था, मतलब एक बार में तो कभी आवाज़ सुनाता ही नहीं था। एक बार में अगर हो सके तो हम इधर से कॉल करें और रिसीव करके बात करें, ऐसा होता नहीं था। इधर से कॉल करेंगे अपने आप कट जाएगा, फिर इधर से कॉल अपने आप कट जाएगा, फिर दोबारा उधर से करेंगे, फिर मतलब ऐसे प्रॉब्लम होता था उनके फ़ोन में। और दूसरा प्रॉब्लम उनके फ़ोन में ये था कि उनका फ़ोन चार्ज नहीं हो, मतलब चार्ज बिल्कुल भी नहीं होता था। मतलब हम क्या बताएं, मतलब जैसे आज रात को ना 8 बजे वो चार्ज में लगा के सोए, मतलब चार्ज में लगा के छोड़ दिए, कल सुबह जाके 8 या 9 बजे निकालते थे ना तो 40% 48% कभी कभी 50% हो जाता था। इतना मतलब प्रॉब्लम हो रहा था उस फ़ोन में, इतना मतलब 12 घंटा 14 घंटा चार्ज करने के बावजूद भी वो फुल चार्ज नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था उस फ़ोन में। और क्वालिटी तो आप लोगों को पता है, मेरे हस्बैंड तो फोटो वगैरह के उतना शौकीन नहीं है, फिर भी क्वालिटी बहुत घटिया। मतलब आदमी ना उस फोन में गधा लगेगा, इतना उसका क्वालिटी अच्छा था। आप लोग इतना सोच लीजिए, गधा को तो बातें हैं, कहीं आदमी भी गधा लगेगा, इंसान भी, तो इतना अच्छा वो फोन था। तो हम लोगों को कोई शौक नहीं था कि जो हम लोग आईफोन ले, तो मेरे हस्बैंड मतलब उनको फोन का बहुत ज्यादा जरूरी था, तो वो अपने लिए फोन लेना चाहते थे। बट वो सोच रहे थे कि हम कौन सा फ़ोन ले, वो मतलब बहुत सोचे कि कौन सा फ़ोन ले। फिर वो सैमसंग के लेने वाले थे, और मतलब बहुत बहुत सारा फ़ोन ऐसा है जो वो यूज़ कर सकते हैं, तो बस उतना ही हम इतना ही बोले उनको, ज़्यादा कुछ नहीं बोले। हम बोले कि बस अगर आप फ़ोन ले रहे हैं ना, तो जो हम फ़ोन रखे हैं ना उससे कुछ अच्छा लीजिएगा, कि उसका अगर कैमरा अच्छा हो तो हम व्लॉगिंग करते हैं या फिर वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो क्वालिटी अच्छा हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। वो बोले कि ठीक है देखते हैं, तब तक सेल आ गया। तो वो बोले ना, मतलब हम लोग ना अभी ये आईफोन तो अभी लिया है ना, अगर हम लोग को 1-1.5 महीना 2 महीना पहले ही फ़ोन ले लेते, 1 महीना पहले ही फ़ोन ले लेते,
बट मतलब टाट बटाट करते 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 तब तक सेल का मतलब इनको पता चला कि सेल लगने वाला है वहां से, तो ये बोले कि फोन ले, हम लोग फोन लेने वाले हैं ना तो सेल लगेगा तो सेल में ही फोन लेंगे। तो हम बोले कौन सा फोन लीजिएगा, तो बोले कि देखते हैं कौन सा फोन लेंगे, पूरा अच्छे से डिसाइड नहीं था कि हम लोग आईफोन ही लेने वाले हैं, तो बोले देखते हैं कौन सा फोन लेंगे, या तो सैमसंग का लेंगे नहीं तो वीवो का लेंगे। वो ये बोलते हैं ये तो वीवो का लेंगे नहीं तो सैमसंग का लेंगे, आईफोन का कोई ये नहीं था कि हम लोग आईफोन ही लेने वाले। तो बस ऐसे ही जब मतलब बात चलने लगा तो हम बोले कि यार आईफोन का कितना दाम होगा जब सेल है, तो बोले आईफोन का दाम तो बहुत कम, मतलब ये ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे आपस में। तो फिर वो बोले कि चलो आखिर चलिए अगर आप मतलब आप लोग वीडियो आप बना ही रही हैं चाहे कुछ भी, तो क्यों ना हम फोन अगर सैमसंग का लेंगे या फिर किसी भी कंपनी का लेने जाएंगे, अच्छा खासा फोन लेंगे जिसका क्वालिटी अच्छा हो, कुछ भी मतलब अच्छा फोन लेना चाहें तो कम से कम 30 या 40 से नीचे तो देगा नहीं। तो हम मतलब हम लोग सोचे कि हाँ ये तो सही बात है, 40 हज़ार से नीचे तो देगा नहीं। और सेल में आईफोन का दाम आ गया था पूरा 50-55 हज़ार ऐसे आ गया था। तो ये बोले क्यों ना हम लोग आईफोन ही ले लें, मतलब 10 ही हज़ार का ही हो जाएगा ना, आईफोन लेंगे तो आपका वीडियो भी मतलब वीडियो बनाने के लिए प्रॉपर अच्छा हो जाएगा फोन। और मेरा फोन का पहले वाले फोन का भी क्वालिटी बहुत अच्छा था, और आईफोन मतलब मुझे ना आईफोन का बहुत शौक था, मतलब हम क्या बताएं, मैं उनको खुल के बता नहीं रहे थे, मतलब बता नहीं पाते थे कि हमको आईफोन का मतलब मेरा आईफोन सपना है और मुझे बहुत शौक है कि मेरे पास भी आईफोन हो या कुछ भी। ऐसे हम लोग बात बात करने लगे तो वो बोले कि नहीं अब लेंगे तो आईफोन ही लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। पहले वो मतलब सेल लगने के 15 दिन पहले डिसाइड हो गया था हम लोग का कि लेंगे तो आईफोन नहीं तो हम नहीं लेंगे, कोई फोन नहीं लेंगे नहीं तो आईफोन ही लेंगे। तो हम बोले कि यार आपको फोन का बहुत जरूरत है, आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा फोन आपको चाहिए। तो बोले कि नहीं आईफोन लेंगे और आईफोन हम आपको दे देंगे, आप यूज कीजिएगा और जो आपका है ना वो तो बहुत अच्छा फोन है अभी, मतलब सच में गाइस बहुत अच्छा फोन है, वो हम ले लेंगे। हम बोले चले ये भी अच्छी बात है। तो बस यही वजह है जो हम लोग को आईफोन लेना पड़ा, उनका फोन बहुत ज्यादा खराब हो गया था। अभी तो मेरे पास नहीं है वो उनका फोन, रहता तो मैं आपको दिखा दे कितना घटिया फोन है। और अभी फिलहाल वो बाहर गए हैं तो मेरा ही फोन लेके गए हैं, अभी मेरे पास आईफोन है तो आईफोन से वीडियो शूट कर रहे हैं, वो मेरा ही फोन यूज कर रहे हैं। तो बस यही है। तो गाइस क्या ही बताएं, मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि जैसे आईफोन ले लिया ये वो, लेकिन हाँ ये एक बार भी कोई नहीं सोचता है कि उसका फोन भी तो खराब था ना, मतलब कोई ये वो क्या ही बताएं, आप लोग समझदार समझ सकते हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते बट इतना बताना चाहते हैं कि हाँ आईफोन लेने का मेन रीजन यही था कि उनके पास फोन नहीं था, उनके मतलब वो अपने बारे में कभी नहीं सोचते हैं, मेन बात तो ये वो अपने बारे में कभी नहीं सोचते, जिसको जो चाहिए मेरे हस्बैंड वो करते हैं, मेरे मतलब हम अपने के लिए बोल रहे हैं कि हमको जो चाहिए वो कर देते हैं बट अपने बारे में सोचते नहीं, उनके बारे में कोई भी नहीं सोचता। यार क्या मतलब आजकल के डेट में कोई 5 हज़ार का फोन रखता है, वो भी इतना घटिया फोन, इतना घटिया कि मतलब उसका कोई हद नहीं है, वो इतना घटिया फोन था। यही वजह है उनके पास फोन नहीं था तो वो फोन ले लिए, और वो बस लिए तो आईफोन ले लिए और कोई वजह नहीं है। तो कभी कभी गाइस हम क्या बताएं, मतलब कभी कभी हम ना कुछ कुछ सोच के या फिर कुछ कुछ सुन के ना बहुत मुझे रोना आता है या कुछ भी, लेकिन अच्छा है कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और बस मुझे तो यही सोच के बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि लोग मेरे हस्बैंड मेरा सपना पूरा किए, मेरा सपना यही था कि मेरे पास आईफोन हो और वो मेरा सपना पूरा कर दिए। सो उनको थैंक यू सो मच। और ही क्या ही बताएं यार, बहुत ज़्यादा टेंशन है लाइफ में, बहुत ज़्यादा टेंशन है। बस हम तो यही सोचते हैं कि बहुत किसके लाइफ में टेंशन नहीं है, सबके लाइफ में टेंशन है, तो टेंशन को मारो गोली और खुशहाल अपनी जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी है, कोई भरोसा नहीं है कि कब किसको क्या हो जाए और कब मतलब हम लोगों को क्या कब क्या दे किसको, सच में कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए बोलते हैं हमेशा खुश रहा करो। और एक और बात बता दें, कितना भी गम में रहिए, कितना भी दुख में रहिए, लेकिन हाँ दुख को झेलते हुए अगर आप खुश रहने की कोशिश करें, अपने चेहरे पर मुस्कान हमेशा रख रहे हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है यार। किसी के बारे में बोल रहे हैं, हर किसी के ऊपर बोल रहे हैं कि अगर आप कितना भी तकलीफ हो बट आप खुश रह रहे हैं, वो तकलीफ में भी खुश रहे ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। वही अभी फिलहाल मेरे साथ हो रहा है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सब समय के साथ सब ठीक हो जाता है और मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा। तो कभी कभी आईफोन के लेके हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि बहुत पछताते हैं कि क्यों लिए आईफोन, मुझे नहीं लेना चाहिए था,
या ऐसे वैसे, फिर सोचते कि नहीं जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, इसके पीछे भी कोई बहुत। तो बस गाइस इतना ही, यही वजह है। और क्या ही बताएं, आप लोग को जो समझ में, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जरा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। और मेरा बात को बुरा मत मानिएगा आप लोग, बस हम ऐसे ही बोलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।